हेलो गाइस, आपके चैनल में स्वागत है। आपको तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग पंडाल घूमने जा रहे हैं, बंगाल के सबसे फेमस वाले पंडाल। तो आइए चलो देखते हैं, ये यहाँ से हमारा शुरू होता है पंडाल देखना। तो आज हम लोग जलपाईगुड़ी का पंडाल देखने जा रहे हैं। यहाँ पे इतने अच्छे से सजावट होता है, इतना पैसा खर्च होता है। देखिए कितना सुंदर पंडाल है, बंगाल का बहुत सुंदर सुंदर पंडाल होता है। और ये देखिए अंदर से और सुंदर है। पंडाल के दोनों साइड कितने अच्छे अच्छे मूर्ति बनाए, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी, आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए माँ दुर्गा का मूर्ति कितना सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और इसमें मेहनत भी बहुत लगी होगी, मैं तो सिर्फ देखते ही रह गई। तो फ्रेंड अब हम लोग दूर से पंडाल में देखने जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना यूनिक तरीके से सजाया है इस पंडाल में। जैसे हम लोग एंटर किए, हम लोग को शिव जी की मूर्ति मिली। तो फ्रेंड ये देखिए शिव जी का कितना खूबसूरत मूर्ति है, और यहाँ पे कितनी अच्छी सजावट की है, घड़े का यूज करके कितना सुंदर पंडाल बनाया है, आप भी देखिए। चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए फ्रेंड पूरा मार्केट ऐसा ही सजा हुआ था, लग रहा था आज ही दिवाली हो। तो चलिए चलते हैं अगले पंडाल में। ये उतना बड़ा पंडाल नहीं था लेकिन अच्छा था। पंडाल छोटा हो या बड़ा, आपको दुर्गा माँ का मूर्ति जरूर अच्छा लगेगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल है दुर्गा माँ का मूर्ति। तो चलिए अब हम लोग अगले पंडाल में जाते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, बंगाल के सब लोग रात में ही पंडाल देखने आते हैं, दिन में कोई नहीं आता है। ये पंडाल जलपाईगुड़ी का वन ऑफ द बेस्ट पंडाल है। तो फ्रेंड ये कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा बल्ब से ही सजा हुआ था चारों तरफ। ये पंडाल बल्ब कारण इतना चमक रहा था, लग रहा था रात में दिन हो गया हो। इसके अंदर का डेकोरेशन कितना अच्छा है फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पंडाल, अगर आपको भी पंडाल अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए माँ दुर्गा का मूर्ति कितना सुंदर, ये मूर्ति है, आपको भी अच्छा लगा होगा। इतनी भीड़ थी कि हम लोग खो गए थे, एक दूसरे को हम लोग ढूंढ रहे थे, तो हम लोग मिल गए। उसके बाद चल दिए हम लोग अगले पंडाल में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बना दिया है अच्छा लगने के लिए, यहाँ पे लाइट बहुत सुंदर से लगाया है, देखिए आप। अब हम लोग जो पंडाल जा रहे हैं वो सबसे अच्छा जलपाईगुड़ी का पंडाल है। ये देखिए यहाँ पे घोड़ा लगाया है, और यहाँ पे भगवान की मूर्ति लगाई है। यहाँ पे कितनी भीड़, हम लोग तो परेशानी हो गए इतने भीड़ में बहुत, लेकिन ये सुंदर है, कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वैसे आपको अच्छा ही लगा होगा। अब चलिए हम लोग अंदर आ गए, और यहाँ देखिए अंदर में ये फूल सब लगा दिया है, बहुत सुंदर लगा मुझे तो। अब यहाँ देखिए माँ दुर्गा का, मतलब ये विष्णु भगवान है, इसके बाद माँ दुर्गा का आएगा। ये देखिए विष्णु भगवान का,
कितना सुंदर है ये विष्णु भगवान का मूर्ति। मुझे लगा सिर्फ माँ दुर्गा का मूर्ति होगा, लेकिन यहाँ पे तो विष्णु भगवान का भी मूर्ति है। सॉरी फ्रेंड, ये कृष्णा और राधा है, और वैसे तो कृष्णा विष्णु की अवतार में थे ना, इसलिए मैंने बोल दिया गलती से विष्णु। और यहाँ पे देखिए एलिफेंट, लेकिन इसका ये बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे माँ दुर्गा का कितना भीड़ है, मैं तो आगे ही नहीं जा पाई इतने भीड़ में माँ दुर्गा का देखने, लेकिन मुझे दिख गया। कितना सुंदर बनाया है ना ये जलपाईगुड़ी का सबसे फेमस पंडाल है, आपको भी देख के पता ही चल गया होगा। यहाँ पे चारों तरफ मूर्ति बनाया है, और यहाँ पे बहुत सुंदर किया, मुझे ये सबसे अच्छा लगा पंडाल। यहाँ पे बहुत सुंदर है, देखिए यहाँ पे फ्लावर्स भी इतने सारे लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो देखती रह गई ये मूर्ति। और यहाँ पे देखिए ये कृष्णा भगवान है, देखिए ये गोल गोल घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मैं भी इसके साथ गोल गोल घूमने लगी। फ्रेंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए भूत, मैं तो डर गई, इसका ऊपर एक बार मुझे जा रहा है, एक बार नीचे, मेरा भाई तो बहुत ही डर गया।